सरकारी नौकरी की एक उम्र हो यार, 58 साल बाद 60 साल बाद रिटायर कर दिया रहे। मेरा मानना यो है नेताओं की भी एक उम्र होनी चाहिए, इसके बाद रिटायर कर देने चाहिए। रिटायर किस मारे करती है सरकार, इनकी उम्र नहीं रही काम करने की। जब इनकी उम्र नहीं रहती काम करने की तो नेताओं की उम्र कैसे हो जाती है 60 के बाद काम करने की। माननीय जगबीर मलिक साहब 73 साल के हैं और ये कहने लग रहे हैं मैं ती कुर्सी पर मरूँगा, कुर्सी बिना मैं ना जाता कित है, टिकट मिल लगी मन ना मन को हरानिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ माननीय विधायक साहब, कि आप ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओगे, बतेरी उम्र होली, आपने राजी खुशी तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर किसी नए युवा बच्चे को आशीर्वाद दे देना चाहिए, ले बेटा तू आगे हल्के का तू विकास कर, मेरे बस का नहीं रहा, उम्र बड्डी हो रही है। खुद ही देख लो छली है जो हमारा हमारी टीम की तरफ से वहाँ गया हुआ है, उसे पूछ रहे हैं भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, उसने एक बार भी अपील ना करते हुए गर्दन हिला दी, कर दो। कम से कम ये देश की इज्जत का सवाल था, देश के लिए गोल्ड आता जो देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बेटी गोल्ड लेके आती है, अपने अहंकार में अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो गोल्ड उस बेटी से छीन लिया। मैं सतेंद्र कुमार, आपने बता दिया फिलहाल गोहाना विधानसभा से जुड़े हैं और आज एक नाम की चर्चा पूरा हरियाणा में होने लग रही है, बात कर लें आप रचिका राजी के बारे में, प्रेम आप देख पा रहे होंगे, बस मामला क्या था, मामला था भैया आज गोहाना विधानसभा में रचिका राणा ने अपनी जो ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है, कार्यालय का उद्घाटन कर दिया और चुनाव का शंखनाद कर दिया है, बातचीत आप भी करा देंगे। नमस्कार भाई साहब, मेरे भाई को राम राम, जितने दर्शक साथी आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे सभी को राम राम। अरस भाई बात करी जावे चुनाव ने लेके, आप तो पहले आप जस्ट आए हो, घोषणा करिए भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, इससे पहले भी उम्मीदवार गोहाना तो बहुत सारे मिलेंगे, कैसे कम्पीट कर पाओगे, कैसे उस देखो इस चीज़ में? देखो घोषणा चुनाव की तो अब करिए, लेकिन समाज में लोगों के बीच में तो 12 साल तो है ना, 12 साल तो संघर्ष कर रहे हैं, मैन टू मैन मिले हुए हैं, हमने तो बहुत ही जी है, हम खुद चुनाव ना लड़ा, हमारे लिए जनता चुनाव लड़ेगी, हमारा भाईचारा चुनाव लड़ेगा, हमारे काका ताऊ चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उन गाम गाम जाकर मानस ढूंढ रहे हैं, हमारा तो हर गाम में घर हर चुलेती आना जाना पहले से ही है। उसी के साथ में एक जिक्र हुड्डा साहब का आप करो हो, टिकट आप लेने की कहो भाई टिकट लेके आऊँगा, एक छोटा सी बात है जो बड़े बड़े जो धुरंधर हैं उनके साथ भी बन गया है टिकट का कटना, उसने किस तरह का देखो उसके बाद में क्या ऑप्शन आप दुर्रव है? बड़े भाई साहब टिकट मैं नहीं कह रहा, टिकट जनता कह रही है, आपके अंदर दमखम होगा टिकट आपको घर बैठे हम दवाऊँगे, आप अपना संघर्ष करो अपनी मेहनत करते रहो, मेरा कार्य संघर्ष करना मेहनत करना है, टिकट मिल लेगी चुनाव लड़ांगे, नहीं मिल लेगी जब भी लड़ांगे, क्योंकि हम बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद तौर प्यार तय या लड़ाई लड़न लाग रहे हैं। एक मामला फिलहाल बड़ा ट्रेंड में है विनेश फोगाट पहलवान ने लेके, कि बार बार कहा कि भाई दो कुश्तियाँ जहाँ जितने के बाद सिल्वर मिलना चाहिए था वह सिल्वर नहीं मिला और उसके बाद में फाइनल में जहाँ गोल्ड के लिए कम्पीट कर रहे थे उसमें भी बात नहीं बन पाई, डिस्क्वालीफाई कर दी, क्या कुछ कहना चाहोगे? केनिया की एक लड़की थी जिसको डिस्क्वालीफाई कराया था, वहाँ की सरकार अपनी बेटी के लिए लड़ी, 5000 मीटर की दौड़ में थी वो लड़की, उसको सिल्वर मेडल मिल गया लड़ने के बाद, उसको भी आयोग का घोषित कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब बात आती है विनेश की, विनेश निकाली है 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण, लेकिन जब वो फाइनल में पहुंची उसने जो पहली तीनों बाउट लड़ी उस वक्त उसका वजन 50 था 49 किलो 800 ग्राम था, तो फाइनल तक वो पहुंची है, फाइनल के बाद वो आयोग का घोषित हुई है, तो सिल्वर मेडल का उसका हक बनता है और इसके लिए उसने अपील भी डाल दी, जो वहाँ की जुडिशियल उसने एक्सेप्ट भी कर ली, हरीश सालवे नाम का वकील है उनकी तरफ से, विनेश फोगाट बहन की तरफ से वो लड़ाई भी लड़ रहा है, लेकिन मेन जो कमी है मेन जो खामी ओलंपिक संघ की जो हमारी टीम गई है इंडिया की जो टीम गई उनकी कमी है। जिस वक्त विनेश को 100 ग्राम वजन के लिए आयोग घोषित किया पहले तो उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, ऑब्जेक्शन उठाने के बाद आध घंटे का एक घंटे का टाइम दे देते वो अपना 100 ग्राम वजन आराम से कम कर लेती, उसको टाइम नहीं दिया उसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया। जब डिस्क्वालीफाई किया गया तो वहाँ खड़े थे संजय सिंह है बिरजू के ही चेले, अब आप खुद ही देख लो छली है जो हमारा हमारी टीम की तरफ से वहाँ गया हुआ है उससे पूछ रहे हैं भाई इसको डिस्क्वालीफाई कर दें, उसने एक बार भी अपील ना करते हुए गर्दन हिला दी, कर दो। कम से कम ये देश की इज्जत का सवाल था, देश के लिए एक गोल्ड आता जो देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बेटी गोल्ड लेके आती अपने अहंकार में अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में वो गोल्ड उस बेटी से छीन लिया, उसके बाद भी एक ऑब्जेक्शन होता है उस बेटी का 100 ग्राम वजन नहीं आया तो उन्होंने अपील ये डालनी चाहिए थी, ठीक है ये आयोग घोषित होती है फाइनलिस्ट है, फाइनल में इसको हारी हुई करार दे तो दूसरी को जीती हुई, फिर भी इसको सिल्वर मेडल का हक बनता, उसके लिए भी संजय सिंह ने अपील दर्ज नहीं कराई। इसके लिए हरस शिकारा ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, उसके बाद उसी आवाज़ को देखते हुए दीपेंद्र हुड्डा जी ने आवाज़ उठाई,
उसके बाद हनुमान जी बेनीवाल ने, फिर चंद्रशेखर रावण जी ने, इन्हीं तीनों से मेरे को उम्मीद थी, इन्हीं तीनों ने आवाज़ उठाई तो वो आवाज़ सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी आवाज़ बढ़ गई और ये आवाज़ पूरा हिंदुस्तान उठाने लग गया। जिसके बाद वहाँ पर उन पर दबाव बनाया संजय सिंह घर पर, उन्होंने सोचा वापिस कैसे जाओगे। इस चीज़ को देखते हुए फिर उन्होंने अपनी अपील दर्ज कराई और उनकी अपील एक्सेप्ट कर ली है। आज 11 तारीख को शाम के 6:30 बजे फैसला आना है, इसके बाद 13 तारीख तक क्लियर कर देंगे। 99% जहाँ तक है सिल्वर मेडल मिलेगा, सामूहिक रूप से मिल जाएगा। जो वो दूसरी है जो दो कुश्ती हारने के बाद भी सिल्वर लेके गई है, तो हमारी बहन का भी हक बनता है इसको सिल्वर मिले। जी बात करा आपके गोहाना विधानसभा के बारे में ही करा, तो जी ये बताओ आप फिलहाल कौन सा उम्मीदवार ने, कौन सी पार्टी उम्मीदवार ने, चाहे आप निर्दलीय हो या टिकट लेके आओ हो, बराबर का मानना हो या फिर अपना अपने ऊपर मान समझो हो? बड़े भाई साहब देखो, ना तो कोई बराबर का ना कोई ऊपर नीचे वाला है। जब तक सभी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ से चेहरा क्लियर नहीं होगा, सभी निर्दलीयों का चेहरा क्लियर नहीं होगा, तब तक हम किसके साथ आपको कंपटीशन बताएं? ऐसे कंपटीशन का आकलन नहीं कर सकते। वो टिकट मिलने के बाद सब मैदान में उतरेंगे तभी आकलन होगा, उससे पहले नहीं। फिर जी कांग्रेस की बात करा, आपके यहाँ से एक व्यक्ति हैं जो बार बार विधायक बने हैं, क्या लगा है अब की बार आप किस तरह इस तरह मतलब समाधान कर पाओगे इन चीज़ों में? सरकारी नौकरी की एक उम्र हो यार, 58 साल बाद 60 साल बाद रिटायर कर दिया रहे। मेरा मानना यो है नेताओं की भी एक उम्र होनी चाहिए, इसके बाद रिटायर कर देने चाहिए। रिटायर किस मारे करती है सरकार, इनकी उम्र नहीं रही काम करने की। जब इनकी उम्र नहीं रहती काम करने की तो नेताओं की उम्र कैसे हो जाती है 60 के बाद काम करने की? माननीय जगवीर मलिक साहब 73 साल के हैं और ये कहने लग रहे हैं मैं 3 कुर्सी पर मरूँगा, कुर्सी बिना मैं ना जाता कितने, टिकट मिल लगी मन ना मन को हरानिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ माननीय विधायक साहब, कि आप ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओगे, बतेरी उम्र होली, आपने राजी खुशी तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देकर किसी नए युवा बच्चे को आशीर्वाद दे देना चाहिए, ले बेटा तू आगे हल्के का तू विकास कर, मेरे बस का नहीं रहा, उम्र बड्डी हो रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, लेकिन इतना अहंकार हो रखा है न्यू का है मेरी को टिकट नहीं काट सकता, कोई आ लो कोई जा लो। अब अहंकार इतना और क्या, तो अहंकार तो आपको पता है अहंकार तो आज तक का इस देश में किसी का भी नहीं चला, मलिक साहब का भी देख लेना जल्दी टूट जाएगा। इसी के साथ में किसान आंदोलन चला था, ये फिलहाल सुन में सूत्रों तक वाले तो खबर है कि भाई किसान आंदोलन के जो नेता थे हरियाणा के, उनकी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी हुई, राहुल गांधी जी से भी और हुड्डा साहब से भी हुई, वहीं 20 सीट जो टिकटें हैं मांग करने लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई इस गोहाना की टिकट भी वो मांग कर लें, क्या कुछ सोचो? देखो ऐसी खबर मेरी नॉलेज में नहीं है, अब मेरी नॉलेज में ही नहीं है तो इस विषय में मैं क्या बात करूं। अगर ऐसी कोई खबर है किसानों की तरफ से तो किसान परिवार का मैं बेटा हूं, हमारे लिए तो सौभाग्य की ये बात होगी अगर ऐसी जिम्मेदारी लगेगी तो। इसके साथ में जो बात है गोहाना विधानसभा की मुद्दे की, कुछ देखिए आपने क्यों लगातार आप सरकार के काम भी देखने लग रहे हो, विपक्ष के भी देखे हैं, क्योंकि कमी जो नेता रहे हैं आगे गोहाना में कमी रही है, जो आप सोचो भी मैं विधायक बनूँ सबसे पहले उन चीज़ों पर ध्यान दूँ और वो ठीक ठाक करूँ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नशा मुक्त खेल जो भी जितनी बदमाशी गुंडागर्दी इन चीज़ों पे पूर्ण विराम हो, शिक्षा जो है शिक्षा फ्री हो मुफ्त हो पूरे हल्के के अंदर, हर गांव के अंदर ऐसे स्कूल कॉलेज हों यूनिवर्सिटी हों जिनके अंदर बच्चे पढ़ सकें, बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें, बाहर उनको घूमना ना पड़े, अपने गाँव में वो सुरक्षित महसूस करके अच्छे से पढ़ाई करें, वो पढ़ाई उनकी फर्स्ट से लेकर PhD तक फ्री हो। उसके बाद बात आती स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के अंदर जब गरीब एडमिट होता है उसके इलाज के लिए वो अपने परिवार जमीन अपने बुजुर्गों को अपने रिश्तेदारों को सब पे पैसे लेके आता है अपने इलाज पे लगा देता है, और अगर वो मान लो ठीक हो जाता तो जीते जी अपने परिवार को एक ऐसे कुएं में घेर देता है कर्जे के नीचे, पूरा जीवन वो उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाता। स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, सबका इलाज फ्री हो। इसके बाद बात आती है रोजगार की, रोजगार के लिए हर गांव के अंदर सेंटर होने चाहिए, क्यों जाएँ हम कहीं देश विदेशों में बाहर कोचिंग लेने के लिए, अपने सेंटरों में कोचिंग लें अपनी शिक्षा के अगर आपको बढ़ाएँ। इसके बाद बात आती है खेलों की, हर गांव के अंदर खेल का एक ऐसा स्टेडियम हो जिससे ओलंपियन बाहर निकले, क्योंकि ज़्यादातर मेडल अभी भी हरियाणा के बच्चे लेके आए हैं, हरियाणा के बच्चे जब लेके आए हमारा जो खेल बजट वो मान के चलो 93 करोड़ है, पंजाब का 96 करोड़ है, अकेले गुजरात का 608 करोड़ है। गुजरात की तरफ से मात्र 2 आदमी गए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, किसी का मेडल नहीं आया। अकेले हरियाणा की बात करा, हरियाणा के अंदर से लगभग 24 बच्चे गए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, पंजाब के अंदर से लगभग 18 बच्चे गए थे जिन्होंने क्वालीफाई किया, अमन शेरावत का मेडल आया, मन्नू भाकर के 2 मेडल आए, पंजाब वाले सरदार जी लड़के का माफी अम्बाड़ा हरियाणा वाले सरदार जी लड़के का 1 मेडल आया,
अपने नीरज चोपड़ा भाई का मेडल लाया। अब आप ये देखो, हमारे बच्चे इतने मेडल लेके आए हैं, मात्र 93 करोड़ रुपए खेल बजट रूस को भी सरकार गिनवाती, हमने हरियाणा के खेलों पर ये लगा दिया, इतना खर्चा कर दिया। इनका खेल बजट अगर सोच के चलो 608 करोड़ रुपए होता, हमारे मेडल कितने होते अनंत गिनत, हमारे बच्चे वहाँ कितने होते सबसे ज़्यादा। इसलिए हर गांव के अंदर एक ऐसा स्टेडियम तैयार हो जिसके अंदर बच्चे ओलंपिक की तैयारी कर सकें, हर गेम को मान सम्मान मिले। सर्कल कबड्डी हमारी पहचान है, सर्कल कबड्डी वाले बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, किसी को सरकारी रोजगार तक नहीं, ग्रुप डी की नौकरी तक नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे जो स्टार है, जिनका पूरे विश्व के अंदर नाम है, वो भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। फिर वही बच्चे आगे चल के क्या करेंगे बेचारे, गेम करके शरीर खराब हो जाता है, नशे पत्ते में बढ़ जाते हैं। नशे पत्ते पर पूर्ण विराम हो, जो गुंडागर्दी हमारे यहाँ पे चल रही है, किसी को किसी के नाम की पर्ची दे दी, किसी के पैसे ले लिए, किसी के गोली चल गई, इन चीज़ों पर पूर्ण रूप से शिकंजा कसा जाए, ये कार्य हम करके दिखाएंगे। तो अरस भाई, इसके साथ में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, किसानों ने खुश करने खातर 133 करोड़ जो कि माल क्या कर पाएंगे देसी भाषा में, वो माफ़ कर दिया। 137 करोड़ जो मुआवजा रुक रहा था उसका ऐलान कर दिया, और लगातार किसान आंदोलन हुए हैं MSP का ऊपर। 14 फसलों की MSP हरियाणा मिला करती, वह 24 कर दी, क्या कुछ आगे कितना के चीज़ें किसानों का इतम होती जा रही हैं, कैसे करोगे भाई साहब? ये मार के बाद पुचकार हो आकर, या वह पार्टी जी ने 750 किसान वोटर पर शहीद करवाए, या वह पार्टी जो हमने खालिस्तानी बताया करते, आंदोलन जीवी बताया करते, या वह पार्टी है जिसके लिए 13 महीने जिनकी न्याड़ नहीं चुकी थी, हम वोटर पर पड़े रहे थे, लट खावा थे, गोली खावा थे, आंसू गैस के गोले खावा थे, उस आंदोलन इतना जल्दी भूल गए, उन 750 इतना जल्दी भूल गए, या तो इनकी मजबूरी है, ये तो डेमो दिखा रहे हैं, मार के बाद पुचका रहे हैं, पहले कूटे, कौन सी ऐसी जगह आ जाए इन्होंने आंसू गैस के गोले ना चलवाए, लाठियाँ ना चलाई, गोलियाँ ना चलाई, करनाल को भूल गए आप, हिसार को भूल गए आप, हर जगह इन्होंने अपने हाथ जो है किसानों के खून से रंगे हैं। फिर अब ये किसानों के लिए इसलिए ये चीज़ें निकाल रहे हैं, इनको ये पता है किसान आपके एक तरफा खिलाफ है, पैटर्न को पकड़ लिया, मनाना कैसे है, घोषणाएं कर दी, तारा कर्जा माफ, थारती यो भी दे देंगे, धन के भंडार खोल दिए, अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगी, एक महीना खोल देंगे भंडार, चुनावी प्रक्रिया है, अगले महीने तो आचार संहिता के बाद ये बोलेंगे एक बार सरकार बनने दो, इन तभी भी डबल घोषणा कर देंगे, बनने के बाद वे जूत फेर कर मामा रहेंगे, इनकी जब अकाई मांगे तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद आपका। फिलहाल भाई गोवाना विधानसभा तो जुड़े थे, और क्या कुछ चल रहा था आपने लाइव देखने लग रहे थे, क्या कुछ लगा कमेंट करके बताते, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हो, इसी के साथ अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।